गुलाम नबी आजाद भी बने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का हिस्सा। सरकार की जानिब से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी एक मेंबर है। आपको बता दें कि सरकार ने 8 मेंबर्स की एक कमेटी तश्कील दी, जिसकी सदारत साबका सदर रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। और इनकी सदारत में 8 मेंबर्स की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो कमेटी स्टेट से रिकमेंडेशंस लेगी, रिप्रेजेंटेशंस लेगी, उनसे बातचीत करेगी कि क्या इस तरह का ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लगने जा रहा है, और जिस दिन स्पेशल पार्लियामेंट सेशन का ऐलान किया गया, उस वक्त से ही ये क्या सारियाँ लगाई जा रही थी कि शायद इस बार स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब सरकार ने इस हवाले से 8 मेंबर्स की एक कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद भी एक मेंबर है। सबसे पहले आपको इन 8 मेंबर्स का नाम बताएंगे। श्री रामनाथ कोविंद, जो फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये इस कमेटी के सदर हैं। श्री अमित शाह जी, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। श्री अधीर रंजन चौधरी, जो अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है और लोकसभा के ये भी MP हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद, जो फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के। श्री NK सिंह, जो फार्मर चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। DR सुभाष सी केशव, फार्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। श्री हरीश सालवे, ये सीनियर एडवोकेट हैं। श्री संजय कोठारी, ये फार्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। ये 8 मेंबर्स की कमेटी तश्कील दी गई है, और ये 8 मेंबर्स की कमेटी जो है ये रिकमेंडेशंस लेगी, रिप्रेजेंटेशंस लेगी, और वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, इसके हवाले से जो है वो स्टेट से रिप्रेजेंटेशंस लेगी, और उसके बाद जो है आगे ये रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या इस तरह के बिल से स्टेट्स असेंबलीज खुश भी हैं या नहीं है। पहले जहां खबरें निकल कर आ रही थी कि सिर्फ 10 स्टेट्स में वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बैक वक्त जो है पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे, चाहे वो लोकसभा के इंतखाबात हों, चाहे वो असेंबली इंतखाबात हों, चाहे फिर पंचायत या म्यूनिसिपलिटी इंतखाबात हों, पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात होंगे। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये तमाम तर लोगों को सुनेगी, ये रिप्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशंस, ये तमाम तर चीज़ें देखेगी, और उसके बाद जो है अपनी जो है रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज करेगी। और यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की अगर बात करें, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी, और इस रिपोर्ट को फिर डिस्कस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है काफ़ी मैच्योर है, और डिस्कशंस इस हवाले से की जाएंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और हम तमाम तर जो एजेंडा है इससे स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के दौरान जो है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस मूव का स्वागत किया, और ये कहा कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में सारे इंतखाबात किए जाएं, क्योंकि जिस तरह से वक्तन फवक्तन जो है वो इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात पर जो पैसा स्पेंड होता है वो पैसा लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर एक ही वक्त में पूरे मुल्क में एक साथ सारे इंतखाबात होंगे तो बहुत सारा पैसा जो है इंतखाबात पे खर्च होता है वो पैसा बच जाएगा, और उस पैसे को जो है वो अवाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवालिया निशान सियासी पार्टियों ने खड़ा कर दिया है कि जो इस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्हें इस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद को ही इस कमेटी का मेंबर क्यों बनाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें,
तो उसके सदर विकार रसूल वानी ने भी गुलाम नबी आज़ाद पर कई सवाल खड़े किए और ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए सांसद में यूं ही नहीं रोया था। उन्होंने ये भी कहा कि आज बीजेपी ने साबित कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद हमारा बंदा है, गुलाम नबी आज़ाद को हमने लॉन्च किया है और आज इस कमेटी का हिस्सा बनाकर बीजेपी ने साफ जाहिर कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद हमारा बंदा। कहीं लोगों ने, कहीं सियासी पार्टियों ने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आज कहीं सवाल खड़े कर दिए और ये कहा कि आज साबित हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद एक सेक्युलर बंदा नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का बंदा है और बीजेपी ने ही गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। बहरहाल अब इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर स्पेशल सेशन के दौरान क्या कुछ बहस होती है और जो ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी क्या कुछ अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, क्योंकि अब ये रिप्रेजेंटेशन लेगी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेगी, खासकर जो स्टेट्स में MLAs हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे जो है वो राय ली जाएगी कि क्या इस तरह का बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से भी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में जो है वो बातचीत की जाएगी, इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बहस की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ फैसला सरकार की जानिब से लिया जाएगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये बिल है इसे पास किया जाएगा या नहीं, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह का फैसला सरकार को लेना चाहिए, क्या इस तरह का बिल पास करना चाहिए, क्या एक ही वक्त में पूरे मुल्क में सारे इंतखाबात होने चाहिए या नहीं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।